सलाम आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आपका मेज़बान माजिद रशीद। उम्मीद है कि सब बखैर व आफियत से होंगे। प्रेमचंद के मशहूर व मारूफ अफसानवी मजमुआ वारदात का अफसाना शांति। अफसाना शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अफसाना शांति। मरहूम देवनाथ मेरे दोस्तों में थे, आज भी जब उनकी याद आ जाती है तो वो रंग रलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं तन्हाई में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। मेरे और उनके दरमियान 250-300 मील का फासला था। मैं लखनऊ में था और वो दिल्ली में, लेकिन शायद ही कोई ऐसा महीना जाता कि हम आपस में न मिल लेते हों। वो नहायत शरीफ, मोहब्बत नवाज और दोस्तों पर जान देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने पराये में कभी इम्तियाज़ नहीं किया। दुनिया क्या है और यहाँ शराफत और मोहब्बत का सिला क्या मिलता है, या उन्होंने कभी न जाना और न जानने की कोशिश की। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें आइंदा के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। दोस्तों ने उनकी साफदिली से नामुनासिब फ़ायदा उठाया और कई मरतबा उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने ज़िंदगी से सबक लेने की कसम खा ली थी कि उनके तर्ज अमल में कोई तब्दीली न हुई। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वो रहते थे वो निराली दुनिया थी, जिसमें बदगुमानी और चालाकी की, बुग़्ज़ और हसद के लिए गुंजाइश न थी। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें मुतंबा करना चाहा, लेकिन उसका नतीजा उम्मीद के खिलाफ बरामद हुआ। ज़िंदगी के ख्वाबों को परेशान करते हुए उनका दिल दुखता था। मुझे कभी फिक्र होती थी कि उन्होंने हाथ बंद ना किया तो नतीजा क्या होगा। मुसीबत ये थी कि उनकी बीवी गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक माल अंदेशी होती है और जो उड़ाऊ मर्दों की गैर माल अंदेशियों के लिए बैंक का काम करती है, उससे गोपा महरूम थी। यहाँ तक कि उसे कपड़ों और जेवरों का भी शौक न था। जब मुझे देवनाथ के इंतकाल की खबर मिली और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भांडे के सिवा और कोई सामान न था। अभी मरहूम की उम्र ही क्या थी जो ज़्यादा फिक्र करते, पूरे 40 के भी तो न हुए थे। यूँ तो लड़कपन उनकी सरिश्त में दाखिल था, लेकिन इस उम्र में सब ही लोग बेफिक्र होते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, उसके 2 लड़के हुए, दोनों लड़के तो बचपन ही में दगा दे गए, लड़की बच रही थी। जिस तर्ज मुआशरत के वो आदी थे उसे देखते हुए उस मख्तसर कुंबे के लिए 200 रुपये माहवार की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का ब्याह भी करना होगा, कैसे क्या होगा, मेरी अक्ल कुछ काम न करती थी। इस मौके पर मुझे ये बेशकीमत तजर्बा हुआ कि जो लोग खिदमत खलक करते हैं और वो ज़ाती मफाद को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते, उनके पसमानदों को आड़ देने वालों की कभी कमी नहीं रहती। ये कोई कायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुतों के साथ सलूक किए, लेकिन उनके बाद उनके बाल बच्चों की किसी ने बात न पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के दोस्तों ने शराफत और उससे काम किया और गोपा की बसर औकात के लिए रुपया जमा करने की तजवीज़ की। एक साहब जो रंडवे थे उससे ब्याह करने को भी तैयार थे, लेकिन गोपा ने भी उस जज्बे का इजहार किया जो हमारी देवियों का जौहर है और तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक हिस्सा किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये माहवार मिलने लगे। वो इतने ही में अपना निभा कर लेगी, जो कुछ खर्च था वो सिनी की ज़ात से था। उसके एक ही महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में गैर मुल्क जाना पड़ा और वहाँ मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा 2 साल लग गए। गोपा एक खतूत बराबर आते गोपा के खतूत बराबर आते रहते थे, जिनसे मालूम होता था कि वो आराम से है, कोई फिक्र की बात नहीं है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि गोपा ने मुझे गैर समझा और सही हालात छुपा रही थी। प्रदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। मौत की अफजूदगी सी तारी थी। जिस कमरे में दोस्तों के जमघट रहते थे उसके दरवाजे बंद थे, मकड़ियों ने चारों तरफ जाले तान रखे थे।
पहली नजर में तो शुबा हुआ कि देवनाथ दरवाजे पर खड़े मेरी तरफ देखकर कुछ कह रहे हैं। मैं तो हम परस्त नहीं हूँ और अजसाम रूहानी का भी कायल नहीं, लेकिन उस वक्त मैं एक बार चूंक जरूर पड़ा। दिल में एक लर्जिश सी महसूस हुई, लेकिन दूसरी नज़र में ये ख्याली तस्वीर मिट चुकी थी। दरवाज़ा खुला, गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की इतला थी और उसने मेरे इस्तकबाल के लिए नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गोंद लिए थे, पर उन दो बरसों में वक्त ने उस पर जो मजालिम किए थे उन्हें वो क्या करती। औरतों की ज़िंदगी में ये वो उम्र है जब हुस्न शबाब अपने उरूज पर होता है, जब उसमें अलहड़पन, शर्म और बेइतनाई की जगह लगावट, खुश अदाई और दिल आवेजी की जाती है। लेकिन गोपा की जवानी ख़त्म हो चुकी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बालों में सफ़ेदी आ गई थी। मैंने पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? उसने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मेरे तो कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ। तो तुम्हारी हालत क्या है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई। तो अब जवानी लेकर करना ही क्या है, मेरी उम्र भी तो 32 से ऊपर हो गई। ये उम्र तो ज्यादा नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी जल्द हो सके ज़िंदगी खात्मा हो जाए। बस सिनी के ब्याह की फिक्र है, उससे छुट्टी पा जाऊँ फिर मुझे ज़िंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो साहब उस मकान में किराया अदार थे वो थोड़े दिनों बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किरायादार ना आया। मेरे दिल में भरछी सी चुभ गई, इतने दिनों उन बेचारों ने किस तरह बसर की, ये ख्याल ही दर्दनाक था। मैंने मुतासिफ होकर कहा, लेकिन तुमने मुझे इतला क्यों ना दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने सोचा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे, तुम्हें क्या सुनाऊं? किसी ने फिक्र की है? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने थे ही। अब सुनीता के ब्याह की फिक्र है। पहले मैंने सोचा था कि उस मकान को अलग कर दूंगी, 20-22 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मकान पहले ही रहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हज़ार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया किया कम की कि मुझे घर से निकाल नहीं दिया। इधर से तो अब कोई उम्मीद नहीं। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर शायद महाजन से 2-2.5 हज़ार रुपए और मिल जाए, इतने में क्या होगा? इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी कितनी मतलबी हूँ, ना तो मैं हाथ मुंह धोने को पानी दिया, ना कुछ नाश्ता को लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए, कुछ खाने को लाऊंगा, खा लीजिए, तब बातें होंगी। घर में तो सब खैरियत है। मैंने कहा, मैं बंबई से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे मखमूर निगाहों से देखा। उस वक्त उसकी निगाहों में शबाब की झलक थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसके चेहरे की झुर्रियाँ मिट गई हैं, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई है। उसने कहा, उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शायद शाम हो रही थी। सुनीता लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पेशतर की मासूम लड़की अब मंजिल शबाब में कदम रख चुकी थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार किया करता था उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका, और वो जो मेरे गले से लिपटकर खुश होती थी आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी, जैसे मुझसे कोई चीज़ छुपाना चाहती है और जैसे मैं उसे उस चीज़ के छुपाने का मौका दे रहा हूँ। मैंने पूछा, सिनी अब तुम किस दर्जे में पढ़ती हो? उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वीं में हूँ। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दें। गोपा ने कहा, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के करीब नहीं जाती। सुनीता मुँह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी, जिस दिन गृहस्थी का काम करती उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती।
वो खुद लड़की को काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वो काम नहीं करती। ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। मैं खाना खाकर लेटा तो गोपा ने फिर सुनीता की शादी का जिक्र छेड़ दिया। उसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को ये सोचने का मौका क्यों मिले कि दादा होते तो मेरे लिए शायद उससे अच्छा बर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने मुतहैर होकर उसकी तरफ देखा। लाला मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनकी हिर्स की प्यास न बुझी थी। गोपा ने घर भी वो छांटा था जहां उसकी रसाई दशवार थी। गोपा ने कहा, मदारी लाल तो बहुत ही बड़ा आदमी है। गोपा ने दांत तले जुबान दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा, मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर खैरियत भी पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार के मैं तुमसे क्या कहूँ, फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है। ये ठीक है कि पहले वो खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है, कौन मौका पाकर छोड़ देता है। मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुझसे जहेज नहीं चाहते, सिर्फ लड़की चाहते हैं। सिनी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सादगी पर रहम आया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके दिल में किसी के खिलाफ शुभात क्यों पैदा करूं। शायद मदारी लाल अब वो न रहे हो, इंसान की तबीयत बदलती रहती है, मैंने मुतफिक होकर कहा। मगर ये तो सोचो कि तुम में और उनमें किस कदर फर्क है। तुम शायद अपना सब कुछ कुर्बान करके भी उनका मुंह सीधा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में ये बात जम गई थी कि वो सिनी को ऐसे घर में ब्याहना चाहती थी जहां वो रानी बनकर रहे। दूसरे दिन मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसने मुझे मुतमईन कर दिया। किसी ज़माने में वो लालची रहे होंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्हें बहुत ही बुलंद और पाक दिल पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से खूब वाकिफ हूँ, वो आदमी में रतन थे, उनकी लड़की मेरे घर में आए, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप उसकी माँ से कह दीजिए मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता, खुदा का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मैं उन्हें जेर बार करना नहीं चाहता। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के मुतल्लिक कैसे गलत ख्यालात कायम कर लेते हैं। मैंने आकर गोपा को मुबारकबाद दी। ये तय हुआ कि गर्मियों में ब्याह कर दिया जाएगा। 4 महीने गोपा ने ब्याह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक मर्तबा ज़रूर उससे मिल जाता था, लेकिन हर मर्तबा मायूस होकर लौटता। गोपा ने अपने ख़ानदान की इज्जत का ना जाने कितना बड़ा नस्बुल ऐन अपने सामने रख लिया था। देवानी इस भरम में पड़ी हुई थी कि उसकी ये ओलुल अज़्मी शहर में अपनी यादगार छोड़ जाएगी। ये न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज़ होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वो दुनिया से ये कहलवाना चाहती थी कि उस गई गुजरी हालत में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। कदम कदम पर उसे देवनाथ की याद आती। वो होते तो ये काम यूं न होता, यूं होता, और तब वो रोती। मदारी लाल नेक आदमी है, सच है, लेकिन गोपा का अपनी बेटी के मुतल्लिक भी तो कुछ फ़र्ज है। उसके 10-5 लड़कियाँ थोड़ी हैं, वो तो दिल खोल कर अरमान निकालेगी। सुनीता के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे उन्हें देखकर मुझे ताज्जुब होता था। जब देखो कुछ ना कुछ सी रही है, कभी सितारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों की मदारात का इंतज़ाम कर रही है। महल में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिससे उसने कर्ज न लिया हो। वो उसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर दे देते। सारा मोहल्ला उसका मददगार था। सुनीता अब महल की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी, और गोपा के लिए तो नींद और हराम आराम हराम था। दर्द से सर फटा जा रहा है। आधी रात हो गई है, मगर वो बैठी कुछ न कुछ सी रही है। अकेली औरत और वो भी नीम जान, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ न कुछ खराबी हो जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत है कि किसी तरह नहीं मानती। पिछली मर्तबा उसकी हालत देखकर मुझसे रहा न गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो शादी हो जाने के बाद मरना, मुझे अंदेशा है कि तुम उसके पहले ही कहीं चल न दो। गोपा ने जवाब दिया, भैया उसकी फिक्र न करो, बेवा की उम्र बहुत लंबी होती है,
तुमने सुना नहीं, रांड मरे ना खंडर ढाइए। लेकिन मेरी तमन्ना यही है कि सिनी को ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब जिंदा रहकर क्या करूंगी, सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह का रखना पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। उन चार महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती। लेकिन मेरा दिल खुश है, मैं मरूं या जीऊं मुझे तस्कीन तो होगी कि सुनीता के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी शराफत दिखाई तो मुझे भी अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी का इम्तिहान करने गई और एक लम्हा बाद आकर बोली, जी चाहता है कि सर पीट लूं। तुमसे जरा बातें करने लगी, इधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किसी से क्या कहूं, मैंने चिढ़कर कहा, तुम बेकार की झंझट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहां मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए ये तोरमा बांध रही हो, 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। मेरी ये बात शायद गोपा को नागवार हुई। इन दिनों उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बातें न समझोगे, तुम्हें न माँ बनने का मौका मिला न बीवी बनने का। सुनीता के बाप का कितना नाम है, कितने आदमी उनके दम से पलते थे। क्या तुम नहीं जानते ये पगड़ी मेरे ही सर तो बंधी है। तुम्हें यकीन न आएगा, नास्तिक ही जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदा अपने अंदर बैठा हुआ पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं नाकिसुल अक्ल भला अकेली क्या कर लेती। वो मेरे मददगार हैं, वही मेरे रहबर हैं। ये समझ लो कि जिस्म मेरा है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है। तुम उनके दोस्त हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतने हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी शरीक जिंदगी हूँ, लेकिन लोक में भी और परलोक में भी। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। जून में शादी हो गई। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल मुतमईन न हुआ। अगर आज सुनीता के बाप होते तो न जाने क्या करते, बराबर रोती रही। झाड़ू में मैं फिर दहली गया कि गोपा अब खुश होगी। लड़की का घर और बर दोनों अच्छे हैं, गोपा को उसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके मुकद्दर में ही न था। मैं अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया, भैया घर दवार सब कुछ अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन दामाद निकम्मा निकला। सिनी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको, बस उसका साया ही रह गया है। अभी चंद दिन हुए आई थी, उसकी हालत देखकर छाती फटती है। न तन बदन की शुद्ध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुनीता की ये दुर्गत होगी, ये तो मैंने ख्वाब में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। कितना पूछा, बेटा तुझसे वो क्यों नहीं बोलता, बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी सिनी तो कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया। लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लड़का चाहता है कि मैं चाहे जिस राह जाऊं सिनी मेरी पूजा करती रहे। सिनी भला उसे क्यों सहने लगी, उसे तुम जानते हो कि कितनी खुददार है। वो उन औरतों में नहीं है जो शोहर को देवता समझती हैं और उसकी बदसलूकियां बर्दाश्त करती रहती हैं। उसने हमेशा दुलार पाया है, बाप भी उस पर जान देता था। मैं भी आँख की पुतली समझती थी। शोहर मिला छेला जो आदमी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न वो सिनी की परवाह करता है और न सिनी उसकी परवाह करती है, मगर वो तो अपने रंग में मस्त है, सिनी जान दिए देती है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सिनी को समझाया नहीं, उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो गोपा की आंखों में आंसू भर आए, बोली, भैया किस दिल से समझाऊं, सिनी को देखकर तो मेरी छाती फटती है। बस यही जी चाहता है कि उसे अपने कलीजे में रख लूं, कि उसे कोई कड़ी आंख से देख भी न सके। सिनी फोहड़ होती आराम तलब होती तो समझाती भी। क्या ये समझाऊं कि तेरा शौहर गली
गली मुंह काला करता फिरे और तू उसकी पूजा कर। मैं तो खुद ये जिल्लत बर्दाश्त न कर सकती। मर्द और औरत में ब्याह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाए। ऐसे मर्द कम हैं जो औरत की कज निगाही भी बर्दाश्त कर सकें, लेकिन ऐसी औरतें बहुत हैं जो शौहर को देवता समझती हैं। सिनी उन औरतों में नहीं है। वह अगर मोहब्बत करती है तो मोहब्बत चाहती भी है, और अगर शौहर में ये बात न होगी तो उससे वास्ता नहीं रखेगी, चाहे उसकी सारी जिंदगी रोते कट जाए। ये कहकर गोपा अंदर गई और एक सिंगारदान लाकर बोली सिनी से उसे अब के यहीं छोड़ गई, इसीलिए आई थी। ये वो गहने हैं जिन्हें मैंने न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके बनवाए थे। उनके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूं कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सिनी अब उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किस लिए, सिंगार करे तो किस पर। 5 संदूक कपड़ों के दिए थे, कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गईं। वो सब कपड़े उठा लाई। इन चीज़ों से उसे अब नफरत सी हो गई है। बस कलाई में कांच की 2 चूड़ियाँ और एक अचली अजली सी साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को दिलासा दिया कि मैं जाकर जरा केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वो किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भूल कर भी न जाना, सिनी सुनते ही जान दे देगी। 11 की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों ने उसे ठुकरा दिया है उन्हें वो कभी न सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन हुकूमत तो उसने मेरी न सही, दूसरों की क्या सहेगी। मैंने गोपा से तो उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन मौका पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं राज मालूम करना चाहता था। इत्तफाक से बाप बेटे दोनों एक ही जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदारनाथ ने उस तरह झुककर चरण छुए कि मैं उसकी सादत मंदी से मुतासिर हुआ। जल्दी से अंदर गया और चाय, मरबा और मिठाइयाँ लाया। इतना शाइस्ता, इतना शरीफ, इतना खलीक नौजवान मैंने न देखा था। ये गुमान ही ना हो सकता था कि उसके अंदर और बाहर में कोई फर्क हो सकता है। जब तक रहा सर झुकाए बैठा रहा। जब वो टेनिस खेलने चला गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत ही नेक मालूम होते हैं, फिर मियां बीवी में इतनी कशीदगी क्यों हो गई है। मदारी लाल ने एक लम्हा गौर करके जवाब दिया, उसका सबब सिवाय इसके और क्या बताऊं कि अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरी सारी उम्र मेहनत में कटी, अब जाकर जरा राहत मिली है। रंगरलियों का कभी मौका ही ना मिला। दिन भर मेहनत करता था और शाम को पढ़कर सो रहता था। सेहत भी अच्छी न थी, इसलिए बराबर यही फिक्र सवार रहती थी कि कुछ जमा भी कर लूँ, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरें। नतीजा ये हुआ कि उन महाशय को मुफ्त की दौलत मिली, संग सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। रुपए की कमी थी नहीं, इस पर माँ बाप के अकेले बेटे उनकी खुशी ही हमारी जिंदगी की बहशत थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, आवारगी की तरफ रुझान बढ़ता गया। रंग और गहरा हुआ और अपनी जिंदगी का ड्रामा खेलने लगे। मैंने ये रंग देखा तो मुझे फिक्र हुई, सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने मंजूर कर लिया। मैं सिनी को देख चुका था, सोचा ऐसी खूबसूरत बीवी पाकर उसकी इस्लाह हो जाएगी, लेकिन इत्तफाक से वो भी लाडली लड़की थी, ज़िद्दी और हटेली। मुफाहत का जिंदगी में क्या दर्जा है उसकी उसे खबर नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया, ये है सारा भेद। और साहब, मैं तो बहू ही को ज़्यादा खटावार समझता हूँ। लड़के तो सभी मनचले होते हैं, लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उनकी सेवा, कुर्बानी और मोहब्बत, यही उनके वो हथियार हैं जिनसे वो अपने शौहर पर फतह हासिल कर लेती हैं। बहू में ये गुण नहीं है। नाव कैसे पार होगी, खुदा ही जाने। इतने में सुनीता अंदर से आ गई, अपनी तस्वीर का बिल्कुल मिटा हुआ खाका थी, कनन तप कर भस्म हो गया था। मिटी हुई तमन्नाओं की उससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। मुझ पर तान करती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं। आप शायद बाहर चले भी जाते।
मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं सिनी, ये कैसे हो सकता था, तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम खुद आ गई। लाला मदारीलाल कमरे से बाहर अपने मोचर की सफाई करने लगे, शायद मुझे सिनी से बातचीत का मौका देना चाहते थे। सिनी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी है? मैंने कहा, वो अच्छी तो है, लेकिन तुमने अपनी क्या गत बना रखी है। मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, ये बात क्या है, तुम लोगों में क्या अनबन है, गोपा देवी जान दिए जलती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो, कुछ तो अकल से काम लो। सिनी के माथे पर बल पड़ गए, वो बोली, आपने नाहक गुफ्तगु छेड़ दी। मैंने तो ये सोच कर अपने दिल को समझा लिया कि मैं बदनसीब हूँ, बस उन बातों का इलाज मेरे काबू से बाहर है। मैं उस जिंदगी से मौत को कहीं बेहतर समझती हूँ, जहाँ अपनी कद न हो, जिंदगी की कोई दूसरी शक्ल मेरी समझ में नहीं आती। इस मामले में किसी तरह उनका समझौता करना मेरे लिए गैर मुमकिन है, नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा जी, इस मामले में आप कुछ न कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी हूं और तय कर चुकी, हैवान को इंसान बनाना मेरी ताकत से बाहर है। मई का महीना था, मैं मसूरी गया था कि गोपा का तार पहुंचा, फौरन आओ, बहुत जरूरी काम है। मैं घबरा कर दूसरे ही दिन दिल्ली पहुंचा, गोपा दिख की मरीजा मालूम हो रही थी। मैंने पूछा, सिनी तो अच्छी है? उसने जवाब दिया, हाँ, और केदारनाथ वो भी अच्छी तरह है। तो माजरा क्या है? कुछ नहीं, तुमने मुझे तार देकर बुलाया और फिर कहती हो कि कोई बात नहीं, दिल घबरा रहा था इसलिए तुमको बुलाया, सिनी को किसी तरह समझा कर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके थक गई, क्या इधर कोई नई बात हुई है? नई तो नहीं, लेकिन एक तरह से नई ही समझो, केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया, एक हफ्ते से कुछ पता नहीं, सिनी से कह गया है कि जब तक तुम रहोगी मैं घर में कदम न रखूंगा। सुना है कि केदार अपने बाप के जाली दस्तखत कर गई, कई हजार रुपए भी बैंक से ले गया है। तुम सिनी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ, अगर सिनी नहीं आना चाहती तो तुम रहने क्यों नहीं देती, वहां वो घुट घुट कर मर जाएगी। मैं इसी वक्त मदारीलाल के पास गया, वो मेरी सूरत देखते ही बोले, भाई साहब मैं तो लुट गया, लड़का भी गया और बहू भी गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया है, सुनी और भी उदास रहने लगी थी। उसने इसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पूंछ डाला था, किसी से बात न करती थी। आज सुबह वो जमुना स्नान करने गई, अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता चला कि जमुना गई है, लोग इधर भागे, वहां उसकी लाश मिली, पुलिस आई, लाश का मुआयना हुआ, अब लाश वापस मिली है। मैं कलीजा थाम कर बैठ गया, अर्थी के साथ गया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए, मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या हालत होगी। इस अभागन के बाग तमन्ना में यही एक पौधा था, उसे अब अपने खूनी जिगर से सींच कर पाल रही थी। उसके बसंत का सुनहरा ख्वाब ही उसकी जिंदगी का महासल था। इसमें कोपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल आएंगे, चिड़िया उसकी डालियों में बैठकर अपने सुहाने राग गाएंगी। लेकिन आज मौत के बेरहम हाथों ने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। उसकी जिंदगी अब बेकार थी, वो नुक्ता ही मिट गया था जिस पर जिंदगी के तमाम खतूत आकर मिलते थे। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखाई, गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के चेहरे पर सुकून की एक नई झलक देखी। उसने मुझे गमगीन देखकर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हें सारा दिन रोते ही कटा, लाश के साथ तो बहुत आदमी होंगे, मेरे जी में भी आया था कि चलकर सिनी का आखिरी दर्शन कर लो, लेकिन मैंने सोचा कि जब सिनी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रेखा है। नंगई, मैं हैरत से गोपा का मुंह देखने लगा, उसे अफसोसनाक हादसे की इतला मिल गई थी, लेकिन वो किस कदर साबिर और पुरसुकून है। मैंने कहा, अच्छा क्या तुम नहीं गई, रोना ही तो था। गोपा ने कहा, हाँ और क्या, रोई तो यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ कि दिल से नहीं रोई, न जाने आंसू किस तरह निकल आए। मुझे तो दर हकीकत सिनी की मौत से खुशी हुई, बदनसीब अपनी इज्जत और खुददारी के लिए दुनिया से रुखसत हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी खुश हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी।
औरत को जिंदगी में मोहब्बत न मिले तो उसका मर जाना ही अच्छा है। तुमने सिन्नी की लाश देखी थी, लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था कि मुस्कुरा रही है। मेरी सिन्नी सचमुच देवी थी। भैया इंसान इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है तो आदमी जीकर क्या करे, किस लिए जिए, खाने सोने और मर जाने के लिए। ये मैं नहीं कहती कि मुझे सिन्नी की याद ना आएगी या मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वो गम के आंसू ना होंगे, खुशी के आंसू होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी बहादुरी से खुश होती है। सिन्नी की मौत क्या कम भाई से फख्र है? मैं आंसू बहाकर उस फख्र को क्यों बर्बाद करूं? वो जानती है कि सारी दुनिया उसकी मजम्मत करे, उसकी माँ उसकी तारीफ ही करेगी। उसकी रूह से ये मसरत भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सिन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सिन्नी की मूरत बनाकर पूछते। अफसाना शांति होता है यहीं पे ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया।